नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया क्राइम एक्सप्रेस और लाइव आज तक में। जी हाँ, इस समय हम लोग जनपद महाराजगंज के विकास खंड सिसवा के हरपुर पकड़ी में डीह बाबा का यानी शिव मंदिर पे उपस्थित है। ऐतिहासिक मंदिर पता चला है कि हमें ये ऐतिहासिक मंदिर है। यहाँ के मुख्य पुजारी से बात करेंगे और पूरी जानकारी लेंगे क्या इस मंदिर का इतिहास है और क्या यहाँ का परंपरा है, क्या यहाँ पे चढ़ाया जाता है। भक्त अगर आए हुए हैं उनसे भी बात करेंगे और सारी जानकारी लेंगे। आए हमारे साथ, आइए मंदिर के अंदर आते हैं। यहाँ पे मुख्य पुजारी जी हमसे जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। क्या नाम हुआ पुजारी जी आपका? लाल बहादुर। क्या इतिहास है इस मंदिर का? मंदिर जो है प्राचीन काल के है, मतलब तभी कैसो साल का मंदिर होगा ये? आदि अंत के मंदिर है, लेकिन एकर निर्माण जौन बा जौन लिंग बाटे केहू नहीं बता पाई कब के है लिंग। तो आइए शिवलिंग का दर्शन कराते हैं, जिसको ऐतिहासिक बताया जा रहा है, जिसके बारे में यहाँ के जो बुजुर्ग लोग हैं उनको भी जानकारी नहीं है कि ये शिवलिंग कब से यहाँ पे उपस्थित है। आइए मंदिर के अंदर आते हैं और दर्शन कराते हैं आपको शिवलिंग का। यहाँ पे भक्तगण भी बैठे हैं, उनसे भी बातचीत किया जाएगा। मेरे प्रतिष्ठित छायाकार महोदय जरा अंदर आए और इस शिवलिंग का दर्शन अपने दर्शकों को कराने की कोशिश करें। हाँ, लाइट जरा जलवा दें तो। यहाँ पे कुछ भक्तगण भी बैठे हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानकारी लेंगे। पूजा कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? संतोष कुशवाहा। कहाँ से आए हुए हैं आप? रानीपुर। जी रानीपुर। यहाँ से कितनी दूर है? 8 किलोमीटर। जी जी। इस मंदिर पे आके कैसा महसूस करते हैं आप? बहुत अच्छा। ऐतिहासिक मंदिर है ये, बहुत फेमस मंदिर है, बहुत पहले का मंदिर है, बहुत प्राचीन। यहाँ आके आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है? जरूर, बोले आपकी कृपा है। तो ये है भक्तगण जिनसे बातचीत हुई है। फिर से मुख्य पुजारी से जुड़ते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कब से वो यहाँ पे जुड़े हुए हैं, आप कब से इस मंदिर से जुड़े हुए हैं? हम इसी गांव के हैं। जी जी। वो तो जीवन भर आते जाते हैं, लेकिन 12 साल हो गया हमको जो है कि यहाँ रहते हैं। 12 साल से पूजा पाठ कर रहे हैं। 1986 से मंदिर बनता है। 1986 में मंदिर बना, लेकिन ये शिवलिंग पहले से है। आप कब से यहाँ पे हैं? हम पहले के हैं। अरे मतलब कितने साल से आप यहाँ पे रह रहे हैं? अरे करीबन 86 से पहले, सन 86 के पहले से आप यहाँ पे रह रहे हैं। हाँ। अच्छा, आप लोगों में से कोई बता पाएगा ये शिवलिंग कब का है? किसी को नहीं जानकारी प्राचीन काल के है ये। जी जी। तो यहाँ पे देखिए एक बोर्ड भी लगा हुआ है, भगवान शिव की अनुकंपा से, सौजन्य से वीरेंद्र कुमार मिश्रा, सेवानिवृत्त अध्यापक, अंध विद्यालय गोरखपुर। यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है और यहाँ पे हनुमान मंदिर भी है, बगल में हनुमान जी की मूर्ति भी लगी हुई है, उसको भी दिखाने की कोशिश करते हैं आप लोगों को। ये हनुमान जी की मूर्ति है, यहाँ पे लगी हुई है, इनका भी पूजा पाठ होता है। पीछे शायद गणेश जी की भी मूर्ति लोग बता रहे हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे आइए, यहाँ पे गणेश जी की भी मूर्ति है और भी कोई मूर्ति है यहाँ पे? इधर दिखाएं, यहाँ पे मेला टाइप में लगा हुआ है, जबकि शिवरात्रि कभी खत्म। यहाँ देखिए पार्वती जी की मूर्ति रखी हुई है, यहाँ पे भी पूजा पाठ हो रहा है। ये इधर इधर फिर आ गए हम लोग। तो आगे सबसे आगे नंदी जी की मूर्ति लगी हुई है, बड़ी सुंदर मूर्ति ये लग रही है देखने में नंदी जी की, और एकदम शिव मंदिर, शिव जो शिवलिंग है उसी की तरफ इनका मुंह है। तो दर्शकों, जगह ये कौन सी पकड़ी? हरपुर पकड़ी,
सिसवा का सिसवा हरपुर पकड़ी का ये प्राचीन शिव मंदिर है, जहाँ पे जो शिवलिंग है उसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है कि कितनी पुरानी शिवलिंग है। यहाँ पे जितने बुजुर्ग हैं वो भी नहीं बता पा रहे हैं कितना पुराना शिवलिंग है। आज इस मंदिर का दर्शन करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ और मेरे द्वारा अपने दर्शकों को मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम एक्सप्रेस और लाइव आज तक। मैं संवाददाता सत्यन नागवंशी, कैमरामैन जितेंद्र सिंह के साथ।